राम राम सारोनू भाई, क्या हाल चाल सबके? कैसे हो आप लोग भाई? जो एग्जाम दे के आया है, सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बता दे कि एग्जाम कैसा हुआ। कुछ चीज मैं भी लेके आया हूँ भाई, जो जो पेपर में आया है। देखो क्वेश्चन तो कभी कोई बताता ही नहीं है, कोई भी स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कस करता नहीं, लेकिन हाँ टॉपिक बता देता है भाई। टॉपिक कहाँ कहाँ से आया है? और भैया टॉपिक जो है सारे पढ़े हुए आए हैं आपके, ठीक है? सही बता रहा हूँ, पूरे में से पूरे क्वेश्चन करके आओगे अगर आपने 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने मुझे दिए होंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा छूटा होगा आपका। चलिए जी, बात करते हैं रीजनिंग की। चलें बात करते हैं रीजनिंग की। सब बढ़िया जी? हाँ जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे छोटे भाई बहनों, ठीक है? सब आपका जो ना सब बेटर आया, सब अच्छा आया, तो परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? वॉइस प्रॉब्लम कुछ नहीं है भाई साहब, मैंने बंद किया हुआ था, ठीक है? मैंने बंद किया हुआ था। चलो जी, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग रीजनिंग से मेरे छोटे भाई बहनों जो आया है ना, देखो मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ। टॉपिक किस किस टॉपिक से आया, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन तो बताया नहीं, किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन नहीं बताया। और इतना बड़ा अंतर्यामी मैं भी नहीं हूँ, परमात्मा मैं भी नहीं हूँ कि मैं ना मैं आंख बंद करूँ और मेरे भाई मुझे पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है? टॉपिक लिख देता हूँ, टॉपिक कहाँ कहाँ से आया, और आप बता भी देना कमेंट में क्या मैंने ये टॉपिक के क्वेश्चन कराए हैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में या नहीं। अगर मैं बात करूँ पासे की, अगर मैं बात करूँ पासे की, तो पासे से एक क्वेश्चन देखने को मिला है छोटे भाई भाइयों। एक क्वेश्चन आपका जो है 1/4 है नेगेटिव, 4 क्वेश्चनों पे एक क्वेश्चन रॉन्ग। आपका अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन कट हो जाता है, मतलब कि 0.25 की नेगेटिव है मेरे भाई। चले जी आगे, अगर मैं बात करूं देखो यहां से, दूसरा आपको कैलेंडर की मैराथन भी कराई थी मैंने, कैलेंडर की मैराथन भी कराई थी, यूट्यूब पे भी कराई है मैंने, ठीक है? आपका कैलेंडर की मैराथन भी कराई है और कैलेंडर की क्लास भी कराई है, तो आपका कैलेंडर का डेली क्वेश्चन लेके भी आता था प्रैक्टिस सेशन में। एक बार हर्ट का सिंबल देके बताओ क्या मैंने कैलेंडर नहीं कराया? कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया भाई आपका, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया है आपका। चलो जी, अगर मैं बात करूं सीरीज, सीरीज की रोज में 2 क्वेश्चन लेके आता था, रोज में 2 क्वेश्चन कराता था आपके सीरीज के, याद है ना? हमें ऐसा प्रैक्टिस सेट में 2-2 क्वेश्चन कराए हैं और पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीरीज के, सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, एक भी नहीं आया। ब्लड रिलेशन से तो बता रहे हैं भाई बच्चे, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया भाई, बता रहे हैं बच्चे ब्लड रिलेशन से निखिल भैया एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? अल्फाबेट, एक आपके अल्फाबेट जो सीरीज है, जो आपका जो है अल्फा अल्फाबेट सीरीज जो है, अल्फाबेट सीरीज से मेरे छोटे भाई बहनों आपका एक क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज याद है ना, जैसे यहां लिखा ADF, आगे लिखा ऐसे ऐसे करके जो लिखा होता था, ठीक है? उससे एक आपका क्वेश्चन आया, सबका हर्ट का सिंबल है। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था पक्का जी, आयुष पक्का डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था। चलो जी, एक आयुष कंफर्म करने लगा, कैलेंडर भी आया था निकल भैया, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था, ठीक है? चलो जी आगे लिख देते हैं, कैलेंडर से अगर था तो। चलो जी, चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं आपका जो है, आपका 4 हो गया। 5वें नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग से मेरे भाई आपका जो देखने को मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। 1/8 नहीं है भाई, वो नहीं है 1/8, क्यों पागल हो रहे हो, क्यों पागल हो रहे हो, 1/8 नहीं है, 1/8 पता है कितनी होती है। छठा, कुछ यहां पे कुछ बच्चों ने बताया भाई ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चों का आंसर आया है कि ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्या मैंने ब्लड रिलेशन के डेली क्वेश्चन नहीं कराए क्या आपको? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिला आपका। अगर मैं यहां पर बात करूं आपका 7वां वर्ड एनालॉजी, वर्ड वाला क्वेश्चन, शब्द वाला, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी से आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों एक क्वेश्चन देखने को मिला यहां पे आपका जो है, एनालॉजी नंबर से क्वेश्चन देखने को मिला, एनालॉजी नंबर से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, एक क्वेश्चन एनालॉजी नंबर से। डिक्शनरी से भी क्वेश्चन मिला है, डिक्शनरी, डिक्शनरी से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद बात करूं 10 नंबर पे, वेरी, हाँ जी, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से आपका जो है, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, डेली में 2 क्वेश्चन कराता था आपको, डेली में 2 क्वेश्चन कराता था। चले जी डेली में आपको क्या कराता था, डेली में सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन कराता था, एक लाइन वाला एक सर्कल वाला, और वही आया है, एक लाइन वाला क्वेश्चन देखने को मिला है, एक सर्कल वाला क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं 11 नंबर पे आपका जो है, 11 नंबर पे स्टेटमेंट कंक्लूजन 150 मेथड, स्टेटमेंट
स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, 5 सेकंड का, कितने सेकंड का, 5 सेकंड, 150 सर कथन निष्कर्ष भी थे। आनंद कुमार एक बार बताना मेरे छोटे भाई कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष से, एक बार डिस्कस, एक बार लिख देना भाई। चले फिगर सीरीज से आया था, हाँ जी फिजिकल फिगर सीरीज भी लिख के लेके आया हूं। चलो जी अगर मैं बात करूं आपका 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं निखिल भैया 1 क्वेश्चन था, और कुछ बच्चे बता रहे हैं निखिल भैया 2 क्वेश्चन थे, 1 और 2। चले जी सर डाइस से मेरे भाई, चले जी डाइस से, हाँ जी डाइस से मैंने लिख दिया। चले जी अगर मैं बात करूं 13वें नंबर पे, तो आपका जो है 1 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का भी देखने को मिला है, 1 क्वेश्चन आपका मिसिंग नंबर का भी देखने को मिला है। वहीं अगर मैं बात करूं फिगर वाले, अभी जो है 2 ही क्वेश्चन कन्फर्म हो पाए हैं, अभी 2 ही क्वेश्चन कन्फर्म हो पाए हैं। एक तो आपका बच्चे बताना है फिगर सीरीज, एक तो देखने को मिला है फिगर सीरीज से क्वेश्चन, ठीक है, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन मिला है देखने को। और वहीं मैं बात करूं अगर आपकी जो है एम्बेडेड फिगर से भी आपका जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो बच्चे एग्जाम देकर आए एक बार जो है आप मुझे बता दो, एक बार आप मुझे बताओ और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला जिसका एग्जाम था, एक बार कमेंट करके लिखा बता दो। चले बताएं मिरर से भी था, चलो जी देखो एक्यूरेट तो, देखो एक बात तो बताओ, हम भगवान तो है नहीं, परमात्मा तो हमें है नहीं कि हमें पता चल जाएगा। जो बच्चे बताते हैं देखो हम भी वही बताते हैं, जो बच्चे बताते हैं सिलोजम से निकल भैया 2 क्वेश्चन थे, अच्छा सिलोजम से 2 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखो अगर हमारे आप जो है ना, एक बात तो बताओ, अगर पेपर हमारे पास आता तो हम एक्यूरेट आंसर करते। तो जो बच्चे बता रहे हैं, जो है पेपर दे के आ रहे हैं ना, उन्होंने ये डिटेल बताई तो मैंने वही डिटेल बता दी मेरे छोटे भाई बहनों। आप भी समझो इस बात को, आप भी समझो ना इस बात को, ठीक है। आप मुझे ये बताओ जिसने जो है जो पेपर देख कर आया है रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करके आया है, ये बताओ सारे के सारे रीजनिंग में कितने क्वेश्चन करके आए हो आप, चलें जी। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आया, चलो जी डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आया, एक यहां पे जो है डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, डायरेक्शन से भी आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है। अभी जो रैपिड फायर सीरीज चली, रैपिड फायर सीरीज में मैंने आपको हर टॉपिक से, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि मैं डेली क्वेश्चन ना कराता हूं रैपिड फायर से। रैपिड फायर सीरीज जो मैंने आपको चलाई थी उसमें 20 में से 20 करके आए हैं, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। चले जी पेपर कट फोल्ड, पेपर फोल्ड एंड कटिंग से भी आया होगा, चलो जी यहां पे लिख देते हैं। एक बच्चे ने आंसर कर दिया निखिल भैया पेपर कट और फोल्ड से भी आया है, बिल्कुल आया होगा भाई, पेपर कट और फोल्ड से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पेपर कट और फोल्ड मेरे भाई आपका जो है आपका इजी टू मॉडरेट पेपर, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, सही है। आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वो आपका जो है लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चन को ऐसे बना दो, क्लियर जी। चलो जी दोबारा फिर एक बार डिस्कस कर लेता हूं कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर मैं देखूं डाइस से आपका जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला है, कैलेंडर से भी देखने को मिला है, सीरीज से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। आगे अगर मैं बात करूं 1 नंबर सही करने पर 2.0, मेरे भाई आपको बता तो दी कितनी बार बताऊं, एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों पूछते मेरे छोटे भाई, ठीक है। चले जी आगे बात कर रहे हैं, वर्ड एनालॉगी से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, एनालॉगी नंबर से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, डायरेक्ट आपका डिक्शनरी से 1 क्वेश्चन मिला है, सिटिंग अरेंजमेंट से आपके जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। चलो जी आगे अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एक लाइन वाला एक सर्कल वाला, डेली कर रहे थे हम, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि जिस दिन हमने क्लास करी होगी सिटिंग अरेंजमेंट के हमने 2 क्वेश्चन नहीं करे हूं। स्टेटमेंट कंक्लूजन से बताए जा रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन, जो 1 से 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन से बताए जा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मिसिंग नंबर से 1, फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन, इमीडिएट फिगर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, डिक्शनरी और पेपर कट एंड
फोल्ड से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्लियर जी? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, ठीक है। पेपर का लेवल बिल्कुल आपका जो है इजी टू मॉडरेट है, आप आराम से बिल्कुल प्यार के साथ 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो, 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और कोई बताएं, और कोई जो पेपर देखा है, और कोई पेपर देखा है, कोई क्वेश्चन याद हो तो पूछ लो भाई। चले जी, सीटिंग अरेंजमेंट का एक सर्कल वाला था और एक बता रहा है कि एक रेक्टेंगल वाला था, तो सीटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आए। हर क्वेश्चन कराया आपको, रेक्टेंगल वाला भी कर पढ़ाया मैंने, आयत वाला पढ़ाया नहीं क्या? और सबसे अच्छी बात है मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया था कि आप ना क्या लगाओ, आप लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाओ, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट का लाइन वाला क्वेश्चन आए, चाहे आपका सर्कल वाला आए, चाहे आपका आयत आए, कैसा भी आए, सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आप आराम से बना लोगे। क्लियर है जी? क्लियर जी? कोई दिक्कत? चलें जी, चलें जी, अभी बात करते हैं। और बताएं आपको कोई डाउट किसी का? चलो इसके बाद आपके अजय सर ना आपको जो है मैथ के बारे में बताएंगे, मैथ में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन एट ए टाइम याद नहीं रहते बच्चों को, ठीक है। बस बच्चे ये बता सकते हैं कि पेपर निकलने के बाद कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए थे, तो वही चीज हो रही है, ठीक है। परेशान नहीं होना, बड़ा अच्छा पेपर आ रहा है, आप आराम से 20 में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। अब अजय सर आपको जो है मैथ के बारे में बताएंगे कि मैथ में जो है क्या क्या आ रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।